जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो और वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरुजी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है, जो गुरुजी के सच्चे सेवादार होते हैं ना, जिन्होंने अपना जीवन ही गुरुजी को समर्पित कर दिया होता है, उनकी बात गुरुजी कभी नहीं टालते। उनके मुख से अगर जो कोई भी आशीर्वाद या ब्लेसिंग निकल गई ना संगत जी, वो पूरी होती ही होती है, गुरुजी को चाहे उसके लिए कुछ भी बदलना पड़े। ये बात हकीकत है संगत जी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सेवादार अंकल, आप अंकल या सेवादार आंटी आपको जो भी कह रहे हैं ना, आप उसको माने। सत्संग में, बड़े मंदिर में कभी जिद ना करें। पता नहीं कब कौन से सेवादार अंकल के मुंह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स निकल जाए और आपका कार्य हो जाए। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत प्यारी बिटिया हैं, बहुत ब्लेस संगत हैं गुरुजी की, गीत आंटी जी। हाँ जी, इनके साथ ही मेरी मुलाकात अपने आप में एक सत्संग है, वो मैं फिर किस दिन शेयर करूँगा आपके साथ। गीत आंटी दिल्ली से हैं, मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हमें अपनी संगत चुना उन्होंने, और उनका बेअंत शुक्राना कि हमें उन्होंने गले से लगाया, हमारी हर प्रॉब्लम्स को अपने गले से लगाया। आज हम जो भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अच्छे हाल में, एक्चुअली अच्छे हाल में ही है, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। हम सब, जितनी भी गुरुजी की वर्ल्ड वाइड संगत है, हम सब गुरुजी के द्वारा हम चुने गए गुरुजी के बच्चे हैं। और अगर गुरुजी हमारी जिंदगी में ना होते तो पता नहीं आज शायद हमारे पास जीने की कोई वजह ही ना होती। कोई भी इंसान है जो गुरुजी की संगत है, सबको पता है गुरुजी ने उन सबके साथ बहुत बहुत कुछ किया हुआ है। सबके साथ गुरुजी ने, सबका साथ गुरुजी ने दिया है, बहुत साथ दिया है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। 2018 में गुरुजी ने मेरे पापा को वेंटिलेटर से बचाया, वो एक अलग सत्संग है और वो भी बहुत अमेजिंग सत्संग है, पर मैं वो अभी शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि ये दोनों सत्संग रिलेटेड हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वो बीच में वो सत्संग का थोड़ा जिक्र किया। वो भी गुरुजी ने करवाया है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ गुरुजी की मर्जी से ही, उनकी आज्ञा से ही मैं बोल पा रही हूँ। हमारा तो हम में कुछ है ही नहीं, जो है वो गुरुजी का ही है, चाहे वो हमारी टांगे हैं, चाहे वो हमारी बाजू है, चाहे वो हमारी टंग है, हमारा दिमाग है, चाहे हमारा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर सच सिर्फ है तो वो है गुरु, बाकी सब झूठ है और बाकी सब टेम्पररी चीजें हैं, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, सब एक एक हमारी आंखों के आगे गुरु का क्रिएट किया हुआ, गुरु का भी नहीं एक्चुअली, ये कलयुग का की जो माया है, ये कलयुग का जो प्रकोप है, हमारे आगे ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, हम उन दुखों के इल्यूजन्स में के माया जाल में हम फंसे रहते हैं ताकि हम अपने गुरु से दूर रहें, हम नाम सिमरन की तरफ जाएं ही ना। ये थोड़ा बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म हो जाएगा अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। टू कट एंड शॉर्ट, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। 2019 में बैसाखी वाले दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, तो वहां मुझे एक अंकल मिले थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी गोदी में अगली बैसाखी से पहले एक बेटा होगा जिसका नाम शिवांश होगा। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं ड्यूरिंग माई टीन एज मैं पीसीओडी की पेशेंट रही हूँ, और पीसीओडी बेसिकली आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि पीसीओडी होता क्या है, और मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ इस चीज को कि मेरे को ये दिक्कत थी कि मुझे पीरियड्स नहीं होते थे और बॉडी में एग्स नहीं बनते थे। मेरी बेटी गुरुजी ने, साईं बाबा जी से उस टाइम में जुड़ी हुई थी, 2012 में मेरी बेटी हुई,
और शी सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि आपके घर में कभी बेबीज नहीं होंगे। मुझे नहीं कहा था, मेरे फादर को कहा था, एंड ही इज वेरी 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 अटैच टू मी। माई डैड इज वेरी अटैच टू मी। लिटरली वो रात को 3-3, 4-4 बजे उठ के अमृत वेले में रोते थे कि मेरी बेटी के घर में बच्चा हो जाए। और इट हैपन्स विद हिज ब्लेसिंग्स, विद गुरुजी ब्लेसिंग, विद साईं बाबा जी ब्लेसिंग्स। आई हैव टू किड्स। बट जब 2019 में उन्होंने मुझे बोला, वो सेवादार अंकल थे, वो कहते हैं ना सच्चा, एक सेवादार जो सच्चा हो उसके मुंह से निकली हुई बात भी गुरु को पूरी करनी पड़ती है। एक हद तक वो अपने मुंह से बात चाहे निकाली हुई पूरी ना करे, बट ऐसा होता नहीं है। हमारे गुरु जी तो ग्रेट हैं, उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात पत्थर का लकीर है। बट उनके अगर सच्चा सेवादार है तो उनके सच्चे सेवादारों के मुंह से निकली हुई बात भी सच वो करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे बोला 2019 में, वो अंकल मुझे मिले थे, तो जब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी गोदी में एक बेटा होगा अगली बैसाखी से पहले जिसका नाम शिवांश होगा, तब भी मुझे पीसीओडी था और उससे पहले मैं इतने ट्रीटमेंट्स करवा करवा के थक चुकी थी। मैं ना उस टाइम कोई ट्रीटमेंट ले रही थी, ना उस टाइम मुझे पीरियड्स हुए थे। जब उन्होंने मुझे बोला तब भी पीरियड्स नहीं थे, और जब मैंने कंसीव किया तब भी पीरियड्स नहीं थे, और जब 2 मंथ्स का बेबी हो गया तब मुझे जाके पता चला कि आई हैव एक्चुअली कंसीव। और पूरा 9 मंथ्स बहुत अमेजिंग निकला। गुरुजी ने क्योंकि उस दौरान मैं सेवा भी करती थी बड़े मंदिर में, तो गुरुजी ने सेवा भी थोड़ी बहुत बैठने वाली चाहे सेवा करवाई, लेकिन करवाई बड़े मंदिर में। किचन में भी गुरुजी ने ड्यूरिंग दैट पीरियड, प्रेगनेंसी वाले पीरियड में सेवा करवाई, और गुरुजी ने बहुत ख्याल रखा, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और मैं सब इतनी बड़ी टेंशन में थी। सबसे पहले मैं टेंशन ये इस चीज की थी, एक्साइटमेंट तो थी, खुशी तो थी कि गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग दी है, बट उससे ज्यादा टेंशन मुझे क्या थी, इट्स रादर एक्चुअली अ फनी सत्संग जो मैं अब शेयर कर रही हूँ। 20th of March 2020 को शिवांश दुनिया में आया, और मुझे इतनी टेंशन थी गुरुजी, बेटी तो उस टाइम 9 ईयर्स की थी, तो मैं कैसे स्कूल मैनेज करूंगी और रात को जागना सुबह उठना। तो गुरुजी ने 22nd of March को लॉकडाउन लगा दिया, और मेरा पूरा लॉकडाउन वाला पीरियड इतना अमेजिंग था। सिंस आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, तो ज्वाइंट फैमिली में गुरुजी ने उस बच्चे की अपब्रिंगिंग करी, और इतना अमेजिंग पीरियड था वो। जब तक उसका सोने का पैटर्न एकदम फिक्स नहीं हो गया तब तक गुरुजी ने स्कूल नहीं खोले, और ये हमारे घर का 7th बच्चा है, 7 इज गुरुजीज नंबर। और जिन सेवादार अंकल ने मुझे ये ब्लेसिंग दी थी, और उन्हीं सेवादार अंकल को मैंने इसके पैदा होने के 7th डे फोन किया, और उन्होंने इसके लिए सत्संग करा अपने घर में, तो ही इज अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड माय डॉटर इज आल्सो अ ब्लेसिंग फॉर मी। हमें गुरुजी ने बहुत बहुत जगहों से निकाला है, हम सब संगत को गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना कनेक्शन है, बट गुरुजी का आना हमारी जिंदगी में इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है कोई। बच्चे, पति पत्नी, बिजनेस, फैमिली, कार्स, घर, ये प्रॉपर्टीज, ये सब तो ब्लेसिंग है ही, वो तो इवेंचुअली आ ही जाती है। गुरुजी के होने से हमारी जिंदगी में ये सब ब्लेसिंग्स तो उनके पीछे पीछे आती है, बट गुरुजी का होना जिंदगी में, इस जन्म में, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है कोई। 100 ताले किस्मत के जब खुलते हैं तब जाके गुरु हमारी जिंदगी में आते हैं। पता नहीं वो कौन सा मुबारक क्षण भी नहीं कहूंगी मैं, मुबारक कर्म कहूंगी मैं, ऐसा उस कर्म के सदके गुरु इतना खुश हो जाता है कि उसे हमारी जिंदगी में आना पड़ता है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, पता नहीं कौन सी मुसीबतों से हमें जाने अनजाने बचाने का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना। आपका होना इस सच अ पावरफुल स्टेटस ऑफ दिस लाइफ। मेरे लिए इससे बड़ा स्टेटस नहीं है कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। हम सबके लिए, गुरुजी की संगत जितनी भी है, हम सबके लिए इससे बड़ा स्टेटस नहीं है कोई कि गुरुजी हमारे महाशिव है और हम उनके बच्चे हैं। गुरुजी कहते थे मेरी संगत रॉयल है, वी आर एक्चुअली रॉयल क्योंकि हम गुरुजी की संगत है। तो मैं ज्यादा सत्संग को ना खींचते हुए
फिर दोबारा अपना सत्संग शेयर करने का हुक्म जब देंगे देन आई वुड शेयर मेरे पापा वाला सत्संग. बट गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना एंड वी लव यू सो मच गुरु जी. जय जय गुरु जी.